भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कैनबरा वनडे में 13 रन से हरा दिया है। टीम इंडिया की विदेशी जमीन पर 7 हार के बाद पहली जीत है। इस साल फरवरी में न्यूजीलैंड ने अपने घर में भारत को 3 वनडे और 2 टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज में शुरुआती 2 वनडे में भी हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 वनडे की सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। कैनबरा वनडे में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 303 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 289 रन ही बना सकी। कप्तान एरन फिंच ने सबसे ज्यादा 75 और ग्लेन मैक्सवेल ने 59 रन की पारी खेली। फिंच की वनडे में ये 29वीं और मैक्सवेल की 22वीं अर्धशतक रहा। मैच में 76 बॉल पर 92 रन की पारी खेलने वाले हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पारी में उन्होंने 1 छक्का और 7 चौके जड़े थे। वहीं पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने सीरीज के 3 वनडे में 72 की औसत से 216 रन बनाए, इसमें 2 शतक भी शामिल हैं। कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया टीम पहली बार कोई वनडे हारी है। इस मैच से पहले टीम ने यहां 4 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय टीम इस मैदान पर पहली बार वनडे जीती है। इससे पहले टीम ने यहां 2 मुकाबले खेले थे और दोनों में हार का सामना करना पड़ा था।